सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। इस आज की वीडियो में बात करेंगे यामा की अपकमिंग MT15 के बारे में, जिसमें कि ड्यूअल चैनल ABS आ रहा था, बट अभी रह कहाँ गया वो मॉडल किसी को कुछ नहीं पता, ना कंपनी को पता ना हमें पता कि भाई वो मॉडल अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ। हम सोच रहे थे FGX के साथ में उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा, बट नो, अभी तक जो उसको लॉन्च नहीं किया कंपनी ने और ना ही कोई उसका अपडेट था। लेकिन फाइनली जो है कुछ अपडेट निकल के आ चुका है जो कि शायद आपके दिल को थोड़ी सी राहत दे सकता है। गाइस यहाँ पे जो है MT15 में काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ फीचर्स जो R5 में भी देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, बट उसके लिए जो मैं अलग से वीडियो बना दूँ तो आप जाके वही देख लेना, बिकॉज ये जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इस यहाँ पे जो है MT15 में अभी ड्यूअल चैनल ABS तो आएगा ही आएगा, वो तो रजिस्टर कर दिया उन्होंने, तो उसके बारे में तो ज़्यादा बात करते नहीं हैं। लेकिन जो मेन फीचर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो फीचर जो है कन्फर्म हो चुका है। FGS में आपने देखा सिंपल ब्लूटूथ कनेक्शन है, ऐप के थ्रू आप जो है कुछ डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद में थोड़ा एडवांस जो है फीचर आया अपनी FGX में, तो X में जो है क्या हुआ कि उसकी जो मीटर की स्क्रीन है उसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, मतलब अलर्ट, बैटरी अलर्ट या फिर कॉल अलर्ट या फिर जो है SMS अलर्ट, वो जो आपको उसकी स्क्रीन में ही देखने को मिल गए। लेकिन यहाँ पे R5 और MT15 में अभी जो नया मीटर आएगा वो होगा कुछ अलग, कुछ हटके। यहाँ पे मीटर तो देखने में सेम वही रहेगा, लेकिन उसके नीचे कुछ फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे जिसमें कि आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी जो आपको FGX में देखने को मिलती है। FGX का मीटर नहीं होगा, मीटर सेम वही रहेगा जो पहले आता था, वो आपको पता है ज़्यादा प्रीमियम दिखता है और फीचर्स भी ज़्यादा देता है, जैसे कि माइलेज वगैरह शो करता है उसके अंदर जो कि FGX में शो नहीं करता है। उसके अलावा जो है उसके अंदर गियर इंडिकेटर शो करता है जो कि ऑल्सो FGX में नहीं शो करता, तो वो फीचर्स तो उसके अंदर रहेंगे ही, वो मीटर तो रहेगा, लेकिन उसी के अंदर एक अलग से जो है सेक्शन बना दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारे अलर्ट्स वगैरह शो करेगा, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, आपके मोबाइल की बैटरी शो करेगा वहाँ पे, एंड टेम्परेचर भी जो है अभी शो कर देगा आपके उस मीटर कंसोल में। बिकॉज यहाँ पे जो है आज के टाइम में हर कंपनी कुछ ना कुछ अलग फीचर दे रही है जिसकी वजह से उनकी बाइक्स या गाड़ियाँ जो है चल रही है, तो ऐसे में जो है यहाँ पे MT15 और R5 में एक नया फीचर ऐड होगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर। सो यहाँ पे जो है जो अपनी FGX है उसमें आपको वाई कनेक्ट मिलती है, मोटरसाइकिल वाई कनेक्ट, यामा मोटरसाइकिल वाई कनेक्ट, एंड जो FGS है उसमें कनेक्ट X मिलती है। दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन है, सभी बाइक्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन ये लॉन्च कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आपको एप्पल में भी मिल जाती है एप्लीकेशन और एंड्रॉयड में भी, और इसमें जो है काफ़ी सारे डिटेल्स शो करता है जैसे कि आपको फ्यूल कब चेंज कराना है, उसके अलावा जो है आपको माइलेज क्या मिल रही है उसके अंदर, लास्ट पार्किंग लोकेशन क्या है, जो कि मेरा बेस्ट फीचर लगता है मेरे को ये, तो भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको हर कंपनी नहीं दे सकती। तो यहाँ पे जो है गाइस आप भी जो है थोड़ा सा वेट करो, बिकॉज अभी जो है आ रही है आपकी न्यू MT15 एंड न्यू R5, तो थोड़ा सा वेट करो, जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगी। सो बाकी गाइस ये कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यदि आपको व्लॉग्स देखने हैं FGX से रिलेटेड तो दीपक राव चैनल को जो है जाके आप सब्सक्राइब कर लो, दीपक राव व्लॉग्स को, वहाँ पे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ एंड यहाँ पे जो है आपको सिंपल अपडेट्स मिलते हैं बाइक वगैरह के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल हो गए अभी, वहाँ पे हम थोड़ी व्लॉगिंग कर रहे हैं और सोच रहा हूँ मैं इसका नाम चेंज कर दूँ MRD ब्लॉग से, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को जो है नहीं पता है नाम, वो जो है डायरेक्ट MRD ब्लॉग से जो सर्च करके आते हैं, तो शायद उनको फिर बाद में दिक्कत होगी चैनल ढूंढने में। तो बाकी आप बताओ कि चैनल को नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो बाकी आई अभी जो है बात कर लेते हैं प्राइसिंग एंड लॉन्च के बारे में कि MT15 का जो नया मॉडल है कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी। प्राइस डिफरेंस आपने देखा FGX में लगभग 3,000 का था, तो यहाँ पे भी 3 से 4,000 का फर्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा लॉन्च जो है आने वाले 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा विद ड्यूअल चैनल ABS। MT15 आपको पता है भाई काफ़ी तेज तर्रार मशीन है, काफ़ी स्पीड में चलती है, लगभग 140 तक जाती है। तो भाई देखो इसमें ड्यूअल चैनल ABS तो जो है मैंडेटरी कर देना चाहिए, बिकॉज ड्यूअल चैनल ABS यदि इस बाइक में नहीं है तो आई थिंक ये जो है काफ़ी रिस्की बाइक हो सकती थी, आप एक हाई स्पीड में चल रहे हो इस बाइक पे। तो ड्यूअल चैनल ABS जो है इसी चीज़ को लेके जो है कंपनी ने रजिस्टर किया है और ड्यूअल चैनल ABS जो आपको जल्दी देखने को मिलेगा इसमें। तो आने वाले 2 से 3 महीनों में जो है इसको दोनों बाइक से जो अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों लॉन्च हो जाएंगी और आने वाले टाइम में जितने भी यामा जितने भी स्कूटर्स वगैरह है जितनी बाइक्स है सभी में जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कुछ लोग जो है ब्लूटूथ बोलते हैं, यार ये ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ तो होता है ब्लूटूथ सो छोड़ो उसको। बाकी गाइस आपको यदि FGX रिलेटेड जितनी भी वीडियो देखनी है वो आप मेरे दीपक राव व्लॉग चैनल पे जाके देखो, वहाँ पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, उसके साथ में जो है आपको इसकी FGX की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। सो उसको जाके सब्सक्राइब करो,
इस टाइटल में जो है मैं इसको टैग कर दूंगा, या फिर जो आप नीचे लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में इस दूसरे चैनल का मेरा, तो आप जाके सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देखो और कुछ करो सपोर्ट वहाँ पे भी। यहाँ पे 3 लाख लोग हैं तो वहाँ पे भी जाओ यार, कुछ 2-4 लाख। सो बाकी यार इसी कुछ आज की वीडियो में यार, कोई भी डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।